बारिश के मौसम में नमी और पसीने के कारण त्वचा पर छिद्र अक्सर तेल और गंदगी से भर जाते हैं। इस दौरान कई त्वचा संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे मुहासे और रेडनेस आदि। ऐसे में त्वचा का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। मॉनसून में ग्लोइंग त्वचा पाने के लिए आप कुछ घरेलू उपाय भी अपना सकते हैं। चलिए जानते हैं वो कौन कौन से उपाय हैं। पहला है शहद। शहद एक बेहतरीन मॉइस्चराइजर है। ये त्वचा को अच्छी तरह से हाइड्रेट रखने में मदद करता है। शहद के एंटीबैक्टीरियल गुण संक्रमण को दूर करने में मदद करते हैं। ये दाग धब्बों और मुहासों को भी कम करते हैं। ये ब्लीचिंग गुणों से भरपूर होता है। ये पिगमेंटेशन और दाग धब्बों को दूर करने में मददगार साबित है। इसके लिए आपको शहद को सीधे अपने चेहरे और गर्दन पर लगाना होगा। इसे लगाने से पहले त्वचा को साफ कर ले। इसके बाद कुछ मिनट के लिए शहद से मसाज करें और गुनगुने पानी से धो लें। दूसरा तरीका है जैतून का तेल। जैतून का तेल त्वचा के लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ये त्वचा को जल्दी बूढ़ा होने से रोकता है। जैतून का तेल त्वचा को ग्लोइंग बनाने में मदद करता है। इसके लिए आप रात को सोने से पहले जैतून के तेल की कुछ बूंदे लें और अपने चेहरे और गर्दन पे लगाएं। लगभग 2 से 3 मिनट तक ऊपर की दिशा में मालिश करें। अब एक तौलियो को गर्म पानी में डुबोएं, अधिक पानी को निचोड़ लें और इसे अपने चेहरे और गर्दन पर लगभग 1 मिनट के लिए रख दें। तौलिए को फिर से गर्म पानी में डुबोएं और चेहरे और गर्दन पर अधिक तेल को धीरे से पोंछने के लिए इसका इस्तेमाल करें। अब एक और साफ तौलिए से चेहरे और गर्दन को सुखा लें। आपको इस स्टेप को अपने मॉनसून स्किन केयर रूटीन में जरूर शामिल करना चाहिए। अगला है हल्दी। एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर हल्दी एक बेहतरीन मसाला है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। ये त्वचा को ग्लोइंग बनाने में मदद करता है। इसमें करक्यूमिन होता है जो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। ये सूजन से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। ये सुस्त त्वचा से बचाव करती है। इसके लिए 1 कप बेसन के लगभग 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं, दूध या पानी डालें, अच्छी तरह मिलाएं और एक स्मूथ पेस्ट बना लें। अब इसमें गुलाब जल की कुछ बूंदे डालें और फिर से मिला लें। इस पेस्ट को अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं और सूखने तक लगा रहने दें, फिर ठंडे पानी से धो लें।